नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल दिन रविवार। खबर के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कम मतदान वाले क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। बीपीएससी ने गृह विभाग के तहत अग्निशमन सेवा पदाधिकारी भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन तिथि। मनोज वाजपेयी ने अपनी फिल्म नहीं देखने की बताई वजह। बिहार के जिलों में बारिश की संभावना। यूपीआई की मदद से बैंक में पैसे कर सकेंगे जमा। गूगल मैप पर अपने घर या दुकान का पता ऐसे जोड़े। आईपीएल 2024 में आज एलएसजी वर्सेस जीटी और एमआई व डीसी के बीच होगी भिड़ंत। अब चले बढ़ते हैं बिहार कैप्टन के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर सहित 12,472 पदों पर गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं या इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। वहीं कुछ पदों के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष तो कुछ पदों के लिए 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। कम मतदान वाले क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। कम मतदान वाले क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आयोग सख्त है। इन संसदीय क्षेत्रों में गहन अभियान की शुरुआत का आदेश जारी किया गया है। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां औसतन कम मतदान हुआ था। इसमें 45.80% के साथ पटना साहिब, 48.79% के साथ नालंदा, 51.81% के साथ आरा और 51.76% के साथ जहानाबाद शामिल है। वहीं नवादा में 49.73%, काराकाट में 49.09% मतदान हुआ था। इन इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर नगर निगम आयुक्तों और डीओ को आदेश जारी किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चतुरानंद मिश्र के बारे में। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और ट्रेड यूनियनवादी थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1925 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इस स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्हें कुछ दिनों के लिए नेपाल भी जाना पड़ा था, लेकिन जब वे भारत लौटे तो उन्हें दरभंगा के जेल में कैद कर लिया गया था। मिश्र संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान एक कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में भी जाने जाते थे। 2 जुलाई वर्ष 2011 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यूपीआई की मदद से बैंक में पैसे कर सकेंगे जमा। यूपीआई की मदद से बैंक में पैसे जमा करना संभव हो सकेगा। इसकी सहायता से अब कैश डिपॉजिट मशीन के माध्यम से पैसे जमा किए जा सकेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। सीडीएम और बैंक अकाउंट नंबर की मदद से खाते में रुपए जमा किए जाते हैं। अब यूपीआई के जरिए बैंक में पैसे जमा करने से लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। लोगों को आसानी होगी और मैनेजमेंट भी बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार जल्द ही इससे संबंधित आदेश को जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अब यूपीआई कार्डलेस कैश डिपॉजिट होगा। एटीएम में यूपीआई के जरिए नगद जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस नियम के आ जाने के बाद ग्राहक ऐप के माध्यम से एटीएम और सीडीएम में कैश जमा कर सकेंगे। बिहार के स्कूलों में होली के बाद ईद की छुट्टियां रद्द। बिहार के स्कूलों में होली के बाद अब ईद की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इस दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसका मकसद है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग की ओर से 8 से 13 अप्रैल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया गया है। वहीं 11 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। 6 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में 1 से 5 क्लास के शिक्षक शामिल होंगे। इन शिक्षकों को आज शाम ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को कक्षा संचालन और बच्चों में समन्वय बनाकर रखने का गुण सिखाया जाता है। रसोई गैस की आपूर्ति जारी रखने के लिए जल्द करेगी काम। रसोई गैस की आपूर्ति जारी रखने के लिए गैस के कनेक्शन का ईकेवाईसी बेहद जरूरी है। पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा ग्राहकों के रसोई गैस कनेक्शन को जारी रखने के लिए ईकेवाईसी करवाने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को ईकेवाईसी का काम किया गया। ये अब लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद अब सामान्य ग्राहकों का ईकेवाईसी कार्य पूरा किया जा रहा है। वहीं ईकेवाईसी का काम पूरा नहीं होने पर सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही कनेक्शन को ब्लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी।
बीपीएससी ने गृह विभाग के तहत अग्निशमन सेवा पदाधिकारी भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन तिथि। बीपीएससी ने गृह विभाग के तहत अग्निशमन सेवा पदाधिकारी भर्ती के लिए आवेदन तिथि को बढ़ा दिया है। बीते 5 मार्च को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल थी, अब इसे बढ़ाकर 22 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए भर्ती का पूरा विज्ञापन पढ़ने की सलाह दी जाती है। फिलहाल बीपीएससी की ओर से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया की बाकी शर्तों में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी खींचने पर हो सकती है सजा। रेल की पटरी पर या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी नहीं खींचनी चाहिए, ऐसा करने पर जुर्माना के साथ साथ सजा का प्रावधान है। दरअसल भारत के हर रेलवे स्टेशन और रेलवे के लिए बिछाई गई पटरियों के क्षेत्र में रेल अधिनियम 1989 लागू होता है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के अंतर्गत जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। रेल पटरी की तरफ सेल्फी लेना दंडित अपराध माना जाता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। रेल पटरी और प्लेटफॉर्म पर रेलवे मंत्रालय की ओर से यात्रियों से सेल्फी नहीं लेने की अपील भी की जाती है, ऐसा करने पर जुर्माने के साथ ही जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे कंगन घाट के बारे में। ये घाट पटना में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस घाट को लोग गुरुद्वारा गोविंद घाट के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान सिख समुदाय के मध्य धार्मिक स्थलों में से एक है। सिख समुदाय के ऐतिहासिक स्रोत के मुताबिक ये वही स्थान था जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने का संदेश देते हुए अपने सोने की कंगन फेंकी थी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान श्री रामचंद्र के भक्त पंडित शिव दत्त को दिया था। इस घाट से नजारे देखने में बेहद ही प्रिय लगते हैं। यदि आप पटना घूमने आते हैं तो इस घाट पर घूमने जरूर आए। लोकसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति का बिहार दौरा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आज जगदीप धनखड़ गया जिले में पहुंचेंगे। यहां वो IIM बोधगया में MBA के 8वें बैच के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। पौधारोपण के साथ वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रगान दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के बाद IIM बोधगया के निदेशक डॉक्टर एस सहाय संस्थान की सालाना रिपोर्ट को पेश करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति MBA के 8वीं बैच के उत्कृष्ट छात्र और छात्राओं को मेडल और डिग्री देंगे। उपराष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर समेत अन्य लोग भी समारोह में शामिल होंगे। मनोज वाजपेयी ने अपनी फिल्म नहीं देखने की बताई वजह। एक्टर मनोज वाजपेयी के करोड़ों चाहने वाले हैं, लोग उनकी फिल्मों को देखना खूब पसंद भी करते हैं। ऐसे में मनोज वाजपेयी के बारे में भी बता दें कि वो खुद अपनी फिल्मों को नहीं देखते हैं। दरअसल एक्टर जल्द ही द नाइट आउट बार सूट आउट में नजर आने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि वो खुद कभी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, इस कारण वो आमतौर पर अपनी फिल्मों को नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मनोज वाजपेयी कहते हैं कि वो भाग्यशाली है कि उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिले हैं। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तारामंडल में मनपसंद सीटों का चुनाव करने का भी होगा विकल्प। तारामंडल में मनपसंद सीटों का चुनाव करने का भी विकल्प होगा। दर्शकों को ये विकल्प भी दिया गया है। दर्शक शो देखने वाले दिन के 7 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तारामंडल के टिकट काउंटर पर भी टिकट को बुक किया जा सकता है। वर्तमान में 200 सीटों की क्षमता तारामंडल में है। 3D शो के लिए दर्शकों को चश्मा उपलब्ध करवाया जाएगा। वेबसाइट https://dstbihar.softtelsolution.in पर जाकर सिटिंग के प्लान को देखा जा सकता है। इच्छा के अनुसार इसमें टिकट का चयन भी किया जा सकता है। टिकट के बुक हो जाने के बाद सीट लाल हो जाएगी, वही बुक हो चुकी सीट का रंग हरा रहेगा। जानकारी के अनुसार 6 साल से कम उम्र के बच्चों को चश्मा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए 10 करोड़ रुपए जारी। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इनके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 10 करोड़ 44 लाख रुपए को जारी किया गया है। शिक्षकों के वेतन के लिए ये राशि जारी की गई है। जानकारी के अनुसार इस राशि से मार्च का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जरूरी आदेश दिए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के प्रशासनिक पदाधिकारी की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि जल्द से जल्द समीक्षा कर शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाए। इसके बाद इसकी सूचना कार्यालय को दे दें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बिहार के शरद सागर को सम्मानित करने की घोषणा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बिहार के शरद सागर को यंग ग्लोबल लीडर्स सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बिहार के सामाजिक उद्यमी एवं युवा आइकन शरद विवेक को इसके लिए चुना है। इस सम्मान को हासिल करने वाले ये बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा शख्स है। ये सम्मान देश के राष्ट्राध्यक्षों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उद्योगपतियों को दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अधिकारियों की ओर से ये शरद सागर को ये सम्मान देने का ऐलान हुआ है। शरद सागर के बारे में बता दें कि इन्होंने साल 2008 में जेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम की संस्था की स्थापना की थी। इसमें ट्रेनिंग हासिल करने वाले युवाओं को विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी से 175 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। गूगल मैप पर अपने घर या दुकान का पता ऐसे जोड़ें। गूगल मैप पर अपने घर या दुकान का पता जोड़ा जा सकता है। इसका तरीका काफी आसान भी है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल मैप का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करना होगा। सर्च बार के पास थ्री लाइव पर टैप करने के बाद एड ए मिसिंग प्लेस नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें क्लिक कर नाम, पता जैसे डिटेल को भरना होगा। यहाँ आप अपने दुकान का नाम, वेबसाइट या किसी और चीज की जानकारी को जोड़ सकते हैं। एड्रेस को अपडेट होने में 24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है। गलती से गलत एड्रेस डाल देने पर उसे बदलने का भी विकल्प मिलता है। मालूम हो कि गूगल मैप को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई फीचर्स को शामिल किया जाता है। बिहार के इन जिलों में बारिश की संभावना। प्रदेश में आज यानी 7 अप्रैल को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में एक या दो जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतर जगहों पर आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रहने वाला है, तो वहीं कुछ जगहों पर 38 से 44 डिग्री के बीच अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तो कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। पटना में करोड़ों की नकली किताब बरामद। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जखियारपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 25 करोड़ नकली किताब को बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें एनसीईआरटी, भारती भवन जैसे प्रमुख प्रकाशनों की किताबें शामिल है। पुलिस के अनुसार नकली किताबों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। बताया जाता है कि प्रकाशकों को हाल ही में इस बात की जानकारी मिली थी कि पटना के किताब मार्केट में नकली किताबों की छापेमारी की जा रही है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दिल्ली के प्रकाशकों की मौजूदगी में पुलिस ने छापा मारकर करोड़ों के नकली किताब के खिलाफ एक्शन लिया है। IIT पटना और पाटलिपुत्र वीवी में दाखिले के लिए करें आवेदन। IIT पटना और पाटलिपुत्र वीवी में दाखिले के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन BBA, BSc, CSDA, MBA, MTech और अन्य कोर्स में नामांकन के लिए तारीख को जारी कर दिया गया है। 15 अप्रैल तक छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्स का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने भी स्नातक, व्यावसायिक और जनरल कोर्स के लिए परीक्षा फॉर्म को भरने की तिथि की घोषणा कर दी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। वेबसाइट https://cet.iitp.ac.in पर छात्र अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का बयान, कहा भाजपा ने चाचा को किया हाईजैक। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने उनके चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तेजस्वी यादव ने जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जमुई की बेटी अर्चना रविदास को टिकट देकर राजद ने आधी आबादी को सम्मान दिया है। तेजस्वी यादव ने NDA गठबंधन के प्रत्याशियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि ये परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से भरी NDA गठबंधन की प्रत्याशी है। बिहार के नवादा में आज पीएम मोदी की रैली। बिहार के नवादा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। वो यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 4 अप्रैल को जमुई में जनसभा को संबोधित किया था। मात्र 72 घंटे के अंदर बिहार में पीएम मोदी की ये दूसरी रैली है। वहीं प्रधानमंत्री की आज की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। आज की रैली में प्रधानमंत्री पहले चरण वाले 3 लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। लोगों से वो NDA के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू की प्रवक्ताओं की टीम तैयार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों की लंबी लिस्ट तैयार की है। पार्टी ने 4 नए प्रवक्ताओं और 10 नए मीडिया पैनलिस्टों को तैनात किया है। ये चुनाव के दौरान पार्टी का पक्ष रखेंगे निरोहा प्रसाद यादव, अरविंद निषाद, धीरज कुशवाहा और परमिल कुमार को ये प्रवक्ता बनाया गया है। इनके साथ ही 10 मीडिया पैनलिस्ट तैनात हुए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का पक्ष
रखने के लिए प्रवक्ताओं को टीम में शामिल किया गया है। नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया बयान, पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश में एनडीए गठबंधन की हवा चल रही है। 400 से अधिक सीटों पर एनडीए के सांसद चुनाव जीतेंगे। पशुपति पारस ने कहा है कि बीते सभी शिकायत अब दूर हो चुके हैं। हम एनडीए के साथ पहले भी थे और अब भी हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग में छटनी को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा है कि उन्हें मास्टर रोल पर रखा गया था, जरूरत होने पर रखा जाएगा और नहीं तो उन्हें नहीं रखा जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा है कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के भाई अजय प्रताप आरजेडी में शामिल। बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह के भाई अजय प्रताप आरजेडी में शामिल हो गए हैं। मालूम हो कि पूर्व मंत्री दिवंगत नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप का जमुई में अच्छा दबदबा है। उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। दरअसल जमुई से राजद के प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए तेजस्वी यादव समर्थन मांगने के लिए जमुई पहुंचे थे। इसे लेकर आयोजित सभा में अजय प्रताप आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती और अर्चना रविदास में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आईपीएल 2024 में आज एलएसजी वर्सेस जीटी और एमआई व डीसी के बीच होगी भिड़ंत। आईपीएल 2024 में आज एलएसजी वर्सेस जीटी और एमआई व डीसी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच का मैच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होगा। सभी टीमें मुकाबले के दौरान जीतने का प्रयास करेंगी। एमआई व डीसी अपनी टीम को पट्टी पर लाने की कोशिश में होगी। इधर एलएसजी ने 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। ये टीम 4 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर जीटी ने 4 मुकाबले में 2 में जीत दर्ज की है। ये अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। एमआई की लगातार हार को देखते हुए आपके अनुसार क्या हार्दिक पांड्या से कप्तानी छिनकर रोहित शर्मा को दे देनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय गुलामता अधिनियम 1843 से दासता के लिए कानूनी समर्थन को हटाया था। आज के दिन वर्ष 1920 में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था, ये एक संगीतकार थे। आज के दिन वर्ष 1932 में जयंती पटनायक का जन्म हुआ था, ये एक समाज सेवक थे। आज के दिन वर्ष 1942 में अभिनेता जितेंद्र का जन्म हुआ था। आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व सुरक्षा समूह स्थापना दिवस मनाते हैं। आज के दिन महिला चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल, ऑप्शन सी है 2 अप्रैल, ऑप्शन डी है 5 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 3 अप्रैल। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी है एआई सुरक्षा, ऑप्शन सी है समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन डी है बाल सुरक्षा। इसका सही उत्तर है समुद्री सुरक्षा। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी है ब्रजकिशोर प्रसाद ने। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी है 1950। इसका सही उत्तर 1950। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजेंद्र सिंह, राजीव कुमार, विनेश यादव, गुड्डू आलम, राम लखन, सत्य प्रकाश कुमार, प्रदीप कुमार शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, रोहित कुमार, रंजीत मिश्रा, अमित रंजन, राकेश मिश्रा, नितेश पासवान, सोनी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।